अलैकुम भाई इमरान, आपको रमजान की मुबारक। और मेरे सभी भाइयों को जो हमसे जिंद जान चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को रमजान की बहुत ही मुबारकबाद हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजी थी वो साफ नहीं थी ना, अब मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ चंदू की, जो मेरे हाथ पर हिल गया है। और क्या कहते हैं, एक बार वो उड़ गया था असर की नमाज के टाइम, लगभग 5:30 बजे वो मेरे हाथ से मैं छत पर ले गया, वो उड़ गया। और उड़ गया, उसने 20-25 गेड़े मारे हो गए, आधे टावर लग कर गया था मेरा बच्चा। और जब सारे गांव में उस टाइम कबूतर उड़ रहे थे, सबके उड़ रहे थे कबूतर, और उसने किसी के कबूतर का नहीं देखा, किसी के कबूतर में गया ही नहीं। जैसे मैंने उसको बुलाया ना, चंदू में छत पर गोली हो गया, बस एक तरह से और गोल हो गया नहीं। मैंने उसको चंदू चंदू कह के पुकारते रहा, वो मेरे हाथ पर आ गया। और मैं आपको उसकी वीडियो भेजूंगा जरूर 3-4 दिन में। देखे चंदू, देखे चंदू, चंदू आ जा, चंदू ये रहा देख, चंदू इसे जाम ही छोड़ लो, हाथ में आता है, आ जाओ बेटा चंदू, चंदू 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 बेटे, चंदू चंदू ये लाया मैंने आपके पार्ट देखकर, बच्चा ये मतलब इन नस्ल का बच्चा है, पंजाबी पंजाबी बच्चा। देखें इसकी पूछ भी खुलती है, जो आप नस्ल की पहचान करते हो, देखें देखें पूछ इसकी खुलती है, देखिए पर एक साथ सब बराबर, ना मटर दाने के बराबर, और ऊपर से चपटी है इसकी टपरी, और आंखें भी निकली हुई है इसकी, ऊपर से चपटी, लाल सुर्ख पंजे भी है इसके। देखिए किस तरह आता है चंदू, चंदू 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 बेटे, आ चंदू चंदू चंदू। ये नहीं इमरान भाई, सब कहते हैं भाई तेरा चंदू उड़ गया तो हम कबूतर उड़ा कर पकड़ लेंगे, और कसम से ये जिस दिन उड़ा ना उस दिन कबूतर उड़ रहे थे सबके, और सब हैरान मान गए भाई कबूतर आए नहीं कबूतरों में। और अभी तो ये पक्का नहीं हुआ, पक्का जब हो जाएगा ना, जिस टाइम आपको 2-3 दिन में मैं भेज दूंगा आपको इसकी वीडियो, ये दिखाऊंगा मैं आपको उड़ा कर, इसको आते टावर जब चला जाएगा ना, और उसकी सब आप पर वीडियो भेजूंगा। और गाँव में इन्होंने खेतों में, गाँव के बीचों बीच मेरा घर है, किसी के छत पर मकान पर नहीं बैठता है, और मैं दिखाऊंगा आपको। आ चंदू चंदू चंदू। और एक बात और कहना चाहता हूँ भाई इमरान, में जो मेरा भाई आपने भी लफ्फे सोखे की दवाई बनाई है, बहुत ही असरदार दवाई है, बहुत बेहतरीन दवाई है, एक मैं आपको दवाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई किसी भाई कबूतर बीमार हो जाते हैं तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मैं आपको ज्ञान बांटने से ही बात बता रहा हूँ। ये गोली आती है, आपको दिख रहा होगा ये गोली आती है, ये उसकी चक्कर चुक्कर की गोली होती है, इसमें लकवा लुकवा जो होता है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ देनी पड़ती है कि नरवन फोर्ट और चने, पहले चने दे दो, तड़की दे दोगे तो उसके आधे घंटे बाद नैरोपन फोर्ट गोली, और ये इसका नाम बता देता हूँ मैं, ये नाम है इसका, ये दे देना कसम से, हफ्ते में आपको कबूतर ठीक हो जाएगा, 5-6 दिन में नहीं, 25 दिन 20 दिन 15 दिन, हफ्ता लगेगा कबूतर को ठीक होने में, हफ्ते में ठीक है कबूतर, थोड़ा सा वो चक्कर चुक्कर से आएगा मगर लकवे से निकल जाएगा, पति निकल जाएगा। इसकी माँ आगे मैं आपको वीडियो भेजूंगा एक बार बनाकर, जिसकी लकवे में थी, इसकी माँ खुद लकवे में थी, 2 बार मैंने लकवे से निकाली है इसकी माँ, और वो ठीक हो गई है पति, और उन कहते हैं ना थोड़ा मोटा लकवा रह जाता है, इसकी माँ के जरा सा भी लकवा नहीं है। इसके साथ नरवन फोर्ट ट्रिकी गोली, और सोखे की भी है, सोखा जिस तरह आप बताते हो भाई
क्या कहते हैं प्रोटॉन और एक पावर जेल शीशी, ये शीशी है ना, इसके साथ अगर हम वो दे देते हैं जो हलवे में गिरते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो सी अंगूर, अंगूर के साथ अंगूर जैसी होते हो पिचके वाला ना, उसके नाम याद नहीं आ रहा, वो चीज़ और तिल दोनों की उसको काट कर और तिल में मिला कर उसकी गोली बना लो 10 से 15 और वो दो आपका कबूतर 5-6 दिन में, और वो दवाई दो विरमल और प्रोटोन और पावर जार और वे गोली दो, उससे आपका कबूतर भारी होगा और दवाई से आप कबूतर निकल जाएगा। देखिए कबूतर चंदू अला चंदू चंदू हाथ में जाता है और कहीं जाता है नहीं, और मैं एक बार इसको गली में ले गया था।